गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डू योर वर्क रेगुलरली। बेटा डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड इन साइंस ग्रुप। लिसन, सेंड योर वर्क डेली इन साइंस ग्रुप। ओके, ओनली सम स्टूडेंट्स सेंड योर वर्क। ओपन पेज नंबर 84, लेसन नंबर 6, मोशन एंड टाइम। द नेम ऑफ दिस लेसन, मोशन एंड टाइम। पेज नंबर 84, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, रीड द स्टेटमेंट इन एग्जाम्पल 1। सपोज ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप यू हैव ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 440। आप किसी ट्रिप पे गए हो और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? आपने डिस्टेंस कवर किया है 440। आपने 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम कितना लगा आपको? 8 आवर्स। इन 8 आवर्स यू हैव कवर्ड डिस्टेंस 440 किलोमीटर इन 8 आवर्स। देन व्हाट इज द स्पीड? तो आपको अपनी स्पीड निकालनी, कितनी स्पीड से गाड़ी चली आपकी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 440 एंड टाइम 8। नाउ वी विल डिवाइड 8 5 40 8 5 40। 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर मीन्स 8 आवर्स में तो उसने 440 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। 1 आवर में कितना किया? 55 किलोमीटर। 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 55 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हुई? 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा? स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यू हैव गिवन इन द बुक। क्लियर बेटा? लुक इन द बुक, पेज नंबर 85, फर्स्ट स्टेंजा। दिस इज योर एवरेज स्पीड एज यू माइट हैव स्टॉप्ड ऑन द रोड फॉर वन और अनदर। इट इज इम्प्लाइज दैट ऑन एन एवरेज यू हैव कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। व्हेन वी गो ऑन ए रोड स्पीड इज चेंज। हमारी स्पीड चेंज होती रहती है वैसे तो, कम ज्यादा। तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट, नाउ वी विल डू कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर स्पीड ऑफ एयर, लाइट, सन। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सन की लाइट हमारे तक किस स्पीड से पहुंचती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर
पावर 8 मीन्स यहाँ 80 लगेगी। घूमते घूमते वो सन का भी एक राउंड पूरा करती है। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे स्पोर्ट सन है। अर्थ हमारी एक तो खुद घूमेगी गोल गोल, और खुद गोल गोल घूमती 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 ऐसे सन का चक्कर काटती। तो अर्थ जो है अर्थ किस स्पीड से अपने आप में घूमती है? 440 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, अर्थ जैसे ये बोल, ये अर्थ है, जैसे आपके पास गेम होता है उसको आप फिरकी बोलते हो, वो जैसे हमारा फैन है वो खुद भी गोल गोल घूमते है ना फैन, लेकिन वो किसी चीज के चारों तरफ नहीं घूमता। लेकिन हमारी अर्थ क्या है, गोल गोल घूमती है, फिर गोल गोल घूमती घूमती ऐसे फिरकी आती, गोल गोल घूमती घूमती चक्कर पूरा कर लेती है, ऐसे ही अर्थ है। अर्थ खुद जो एक एक्सिस पे घूमती है वो 440 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन। स्पीड जो अर्थ जो है खुद धीरे धीरे अपने ही एक्सिस पे घूमती है वो तो 440 है, और वो धीरे धीरे सन के चारों तरफ जब घूमती है धीरे धीरे ये ऐसे जाती रहती है, सन के चारों तरफ जो घूमती है वो किस स्पीड से घूमती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, कोई फिरकी लेना, फिरकी बोलते हैं उसको, इसको पैकेट बोलते हो, उसको जब आप धरती पे छोड़ते हो पहले तो खुद गोल गोल घूमता है, वो तो हो गया रोटेशन, और जब वो खुद गोल गोल घूमते घूमते फिर एक राउंड लगाता है वो हो गया रेवोल्यूशन। फिफ्थ सैटेलाइट, जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? या रॉकेट, रॉकेट की स्पीड या सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है, वो बहुत हैवी होता है। सिक्स्थ फास्टेस्ट बर्ड, पीग्रीन फाल्कन। वन आर्मी आपने ये देख लिया, वन आर्मी या वन सेकंड की
बर्नी 1 सेकंड में किलोमीटर में डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, वो तो लिविंग थिंग्स है, वो 1 आवर में 200 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। ये भी बहुत ज्यादा स्पीड मानी जाती है। और सबसे फास्टेस्ट एनिमल है चीता। चीता सबसे ज्यादा फास्ट चलता है, इसकी स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये आपने लर्न करने हैं, दिस इज वेरी यूजफुल हायर क्लासेस में, जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो ये आपको बहुत यूजफुल है, वहां क्योंकि बेनिफिशियल है वहां। ठीक है, लर्न दिस। डू यू नो द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल डायरेक्टली रिकॉर्ड द स्पीड एट ए गिवन टाइम? इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स ऑन द स्पॉट स्पीड को वो मीजर करता है स्पीडोमीटर इन किलोमीटर एंड आवर्स। द व्हीकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, द व्हीकल इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। जब पाथ बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा हो तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म ही होती है। आप भी जैसे व्हीकल पे कई बार जा रहे हो तो जब हमारा रोड बिल्कुल अच्छा होता है, स्ट्रेट होता है, तो वहाँ हमारी स्पीड एक जैसी रखते हैं, हमें स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इफ़ इट्स एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटियस स्पीड। कह रहे हैं व्हीकल को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहते हैं जब उसकी एवरेज स्पीड जो है इंस्टेंटियस स्पीड के इक्वल हो। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सपोज ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट नैरो रोड, लेट इट ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। फर्स्ट आवर में भी वो 30 किलोमीटर जा रही है, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। इन दिस केस द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कार। नेक्स्ट पेज ओपन। नेक्स्ट पेज बेटा हरी अप। इट्स स्पीड देयरफॉर रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर दिस 1 आवर टाइम इंटरवल। वी कैन देयरफॉर कॉल द मोशन ऑफ कार इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द कार कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन ओवर दिस 1 आवर टाइम इंटरवल टू बी मोर प्रीशियस आवर वी से दैट। नाउ वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ए ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ and cover equal distance and equal interval of time. Move along a straight path, cover equal distance in equal interval of time. Clear beta, uniform motion? A motion along a straight path, cover equal distance in equal interval of time. यहाँ straight path इसलिए कह रहे हैं, अगर हमारा path straight ही नहीं होगा, बार बार हमें turn करना पड़ेगा, तो हम equal time में equal distance cover नहीं कर पाते, वहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है। नाउ सपोज द सेम कार इज ट्रैवलिंग ऑन अनदर स्ट्रेट नैरो रोड विद लॉट ऑफ ट्रैफिक। अगर जहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो वहाँ भी हमारी स्पीड यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती, अगर ट्रैफिक है हमें बार बार रुकना पड़ेगा। इट कंटिन्यू टू ट्रैवल अलोंग ए
स्ट्रेट पाथ बट इट्स पिच ड्यूरिंग इट्स जर्नी बिकम ऑन चेंजिंग, क्योंकि कभी हमें कम करनी पड़ेगी स्पीड, कभी ज़्यादा. वी कॉल सच ए मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर बेटा? द मोशन ऑफ कार इज ऑल्सो रिगार्ड एज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म कब होती है? इफ इट डज नॉट मूव, यहाँ डज नॉट आएगा, अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. इट इज ओनली मोशन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज रिगार्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. जहाँ स्पीड कॉन्स्टेंट हो उसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म, जहाँ स्पीड कॉन्स्टेंट हो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म. तो कह रहे हैं कार यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होती है? जब वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं हो. द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेल्ड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. बट इन यूनिफॉर्म कवर डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होएगा? डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर बेटा? नेक्स्ट